तो नमस्कार दोस्तों, आज ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हर छतरी मैकेनिक के पास होना चाहिए। और यह है दोस्तों RG59 के जो है कनेक्टर है, लॉकिंग कनेक्टर, कंप्रेशन कनेक्टर। तो ये ओरिजिनल कनेक्टर जो है हर किसी के पास होने चाहिए। सादे वाले, सस्ते वाले भी रखो, बट ये ओरिजिनल वाले भी रखना चाहिए, हर मैकेनिक को अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद ये दोस्तों केबल स्ट्रिपर कटर और ये केबल कटर हेवी वाला, एकदम बढ़िया क्वालिटी का है ये दोस्तों। ये मुझे करीब 150 रुपये का पड़ा था, आपको थोड़ा कम में भी मिल सकता है, बट 150 रुपये इसकी मैक्सिमम प्राइस है। एकदम बढ़िया हेवी कटर है ये। उसके बाद ये दोस्तों कंप्रेशन टूल, जो आपका कनेक्टर है उसको लॉक करने के लिए यूज़ होता है, ये आपको 450-450 तक में मिल जाएगा। उसके बाद एक ये डिससेट करने की केबल, इसके बारे में तो बोलने का काम है ही नहीं, क्योंकि हर जो है डिससेटिंग करने वाला अपने साथ एक जो है 8-10 फीट की केबल तो साथ में लेके ही जाता है सेट करने के लिए। और ये कटर दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से काटता है, एकदम इजी कटिंग करता है ये, बहुत ही बढ़िया कटर है ये, एकदम बढ़िया हैवी कटर है। तो अब जो है दोस्तों इसको मैं केबल को ये स्ट्रिपर टूल से जो है प्रिपेयर कर लेता हूँ, इसमें कनेक्टर लगाना इसलिए। तो ये 2-4 बार घुमाओ और उसके बाद इसको निकाल दो, तो आपकी जो है केबल एकदम फिनिशिंग के साथ कटेगी। अब आप इसमें आराम से जो है कनेक्टर लगा सकते हो, एक वो जो है काला वाला कनेक्टर आता 8 लोक वाला, उसको भी लगा सकते हो आराम से। उसमें आपको लॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप केबल उस पर टाइट अंदर घुसा दो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों को आता नहीं है उसको कैसे लॉक करें, तो उसका भी मैं जो है वीडियो नेक्स्ट टाइम डालूंगा। तो उसके बाद ये इसकी तारे आप चाहे तो हाथ से नीचे कर दें, उसके बाद ये कनेक्टर को ऐसे घुसा लें। दोस्तों RG59 मतलब पतली वाली केबल और RG6 मतलब मोटे वाले केबल, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन कनेक्टर है ये RG59 के यानी कि पतले वाले केबल के, और एक जो है मोटे वाले केबल के भी कनेक्टर आते हैं। और अब जो है इसको मैं लॉक कर दूंगा। तो दोस्तों मेन मकसद ये है कि ये जो सारे टूल्स मैंने दिखाए हैं ये हर किसी मैकेनिक के पास होना चाहिए, DTH से रिलेटेड काम करने वाले मैकेनिक के पास। तो दोस्तों ये कंप्रेशन टूल में इसको मैं घुसा देता हूँ, उसके बाद आपको ज़ोर से दबा देना है, तो जो है ये कंप्रेस हो जाएगा और आपका जो है कनेक्टर केबल में लॉक हो जाएगा। अब आप इसको जितना मर्जी चाहे खींच लो, ये निकलेगा नहीं। और जो सादे वाले जो है कनेक्टर आते हैं वो खींचने पे आराम से निकल जाते हैं, या फिर कभी कभी वायर में किसी का पैर अटक जाए और वायर खींचा जाए, या कोई जानबूझ के खींच देता है तो भी निकल जाती है वो केबल। बट ये जो है लॉकिंग वाले कनेक्टर में एक बार लॉक होने के बाद केबल कभी नहीं निकलती है। और ये रहे काले वाले कनेक्टर जो कि ऑटो लॉक होते हैं। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टूल दोस्तों, ये टी पाना भी आपके पास होना चाहिए, जो कि काले वाले जो ऑटो लॉक वाले कनेक्टर होते हैं उनको लॉक करने का काम करता है। तो ये टूल्स जो है सभी मैकेनिक के पास ज़रूर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।